नमस्कार फ्रेंड, मैं हूँ चंदन पटेल। और देखिए, एक बार फिर से एक मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। देखिए, ये लगभग 82 रुपये गिरावट में देख रहे हो, और यहाँ पे अगर हम इस स्टॉक की बात कर ले तो लगभग 11,400 रुपये का 52 वीक हाई है। ठीक है, ये स्मॉल कैप कंपनी है और एग्रो केमिकल में ये काम करती है। लगभग देखिए, यहाँ पे हम बात करें गिरावट के बावजूद भी, लगभग 1,000 कुछ रुपये गिरावट के बावजूद भी ये स्टॉक की जो रिटर्न है 184% का रिटर्न है। और यहाँ पे अगर हम 1 मंथ की बात करें तो लगभग 30% की पॉजिटिव रिटर्न है इतनी गिरावट के बावजूद भी। यहाँ पे 52 वीक लो की बात कर ले तो लगभग 3,205 रुपये का 52 वीक लो है। आप यहाँ पे इस स्टॉक का चार्ट देख सकते हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। और यहाँ पे अगर मैं इस स्टॉक के बारे में बात करूँ तो देखिए, मैं यहाँ पे चार्ट लगा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है। मैं यहाँ पे आपको वन डे का चार्ट दिखाऊँ तो वन डे का ये जो चार्ट है, आप यहाँ पे देखिए, ये एक मार्केट में इतनी भयंकर गिरावट हुई है तो इस स्टॉक में थोड़ा बहुत तो करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं वीकली वाइज चार्ट लगाऊं तो ये कितना स्टॉक गिर सकता है और आपको किस लेवल पर माल खरीदना चाहिए। देखिए, एक्चुअली क्या है कि ये जो इसका सपोर्ट का लेवल था, सपोर्ट का लेवल ये है, और इस लेवल पे अगर ये मिलता है तो आपको ज़रूर माल खरीदना चाहिए। मेरे को लगता है इससे ज़्यादा ये स्टॉक नहीं गिरेगा, क्योंकि जब ये अपना 52 वीक हाई तोड़ा था, यहाँ पे देख रहे हो 52 वीक जब अपना हाई ये तोड़ा था, तो एक थोड़ा सा ज़रूर करेक्शन देखने को मिला था। तो सेम वही पे 52 वीक अपना जो ये हाई तोड़ा है, तो एक्चुअली क्या कि दिवाली की वजह से मार्केट में थोड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है, नहीं तो ये स्टॉक और भी तेज़ी देखने को मिलता। ठीक है, ये वीकली वाइज चार्ट लगाया, ये आप ध्यान से देखिएगा। आप ये ध्यान देखिए, जब ये अपना 52 वीक हाई तोड़ा, ठीक है, तो 52 वीक जब हाई तोड़ा यहाँ पे, तो इस स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। फिर ये जब 52 वीक हाई ये वाला तोड़ा यहाँ पे, तो इस स्टॉक में फिर से दिवाली की वजह से इस स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला है। तो सपोर्ट का लेवल तो यही बनता है। ठीक है, सपोर्ट का लेवल लगभग कितना रहेगा आपको, 10,300 का सपोर्ट का लेवल रहेगा, जो कि इसने अभी तक तोड़ा नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बार ज़रूर हिट किया है इसने, 10,211 का लेवल इसने हिट किया है। लेकिन आपको एक मैं बात बता दूं कि इस लेवल पर अगर ये टिका रहा तो कम से कम इसका जो टारगेट है 15,000 का टारगेट लगभग फिक्स है। लेकिन अभी आपको कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, अब बस खाली इस स्टॉक को वेट एंड वॉच करिए। अगर आपको लगभग ये थोड़ा सा अगर इस स्टॉक में करेक्शन होता है 9,000 से लेके 8,000 के रेंज पे, अगर ये आपको फिर से अवेलेबल मिलता है तो आप दबा के माल ज़रूर खरीदिएगा। फिलहाल जब तक गिरावट हो रही है स्टॉक में, तब तक मैं आपको बाइंग की राय नहीं दूंगा, लेकिन आपको मैं इतना बता सकता हूं कि आप वेट एंड वॉच करिए और इस स्टॉक को करेक्शन होने दीजिए। अगर ये 9,000 से लेके 8,000 के रेंज तक अगर ये आता है तो आप यहाँ से ही ख़रीदारी करना चालू कर दीजिएगा और माल भर लीजिए, अगर इस जोन में मिलता है तो। ठीक है ना, और लंबे समय के लिए अगर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी वेल्थ क्रिएशन, मतलब एक अच्छी वेल्थ क्रिएट होगा। ठीक है, और लॉन्ग टर्म के लिए मैं ज़रूर आपसे बाइंग के लिए बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म में आप ज़रूर इस स्टॉक को उठाइए, लेकिन अभी थोड़ा सा करेक्शन है तो थोड़ा सा रुक जाइए, आप वेट एंड वॉच करिए। ठीक है, जैसे इस स्टॉक में फिर से रैली बनती है आप ज़रूर यहाँ पे इन्वेस्ट करिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड।